चल रहे, छोटे से बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे, वो बच्चे बच्चों के साथ खेलते हुए वो मजाक के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजान थी वो बच्चों को सुना रहा, कहा कह रहा था कि मुसलमानों के जो नबी हैं और मुसलमानों की जो अजान है वो आपको सुनाऊं। अजान मुकम्मल आती नहीं थी, अल्लाहु अकबर कह के उनको बच्चों को सुना रहा था और खेल रहे थे और हंस रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे तो उस बच्चे को बुला लिया, उस बच्चे को बुला लिया जो अल्लाह का नाम ले रहा था। नाम किस मजाक पे, मजाक के तौर पर ले रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इकरा या गुलाम, उसके सर के ऊपर हाथ रखा, उसके सर के ऊपर हाथ रखा। अभी हाथ रखा ही था कि ईमान दिल में रासिख हो चुका था। हाथ रखा और उसे कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान सिखलाई। जब बच्चों को सिखाया जाता है तो सिखलाने में क्या है कि एक दफ़ा नहीं, जितनी दफ़ा बच्चा पढ़ेगा उतनी दफ़ा उसको पढ़ाते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक फिकरा जो जुमला बोला जाता है अजान में उसको चार चार दफ़ा कहलवाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दो दफ़ा कहते हैं, चार दफ़ा कहलवाया, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार दफ़ा कहलवाया। अबू महज़ूरा उसी वक़्त से मुसलमान हुए। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मोहब्बत के दो पहलू और दो वाक़े, वो क्या हैं? एक तो ये है कि इन्होंने जब भी अजान दी, सारी ज़िंदगी जब भी अजान दी तो चार चार दफ़ा इन्होंने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह क्या है कि चार चार दफ़ा कहा। क्यों? सामने कहा दो दफ़ा है, आपने सुनी भी है, बिलाल से भी सुनी है, दूसरों से भी सुनी है, चार दफ़ा, दो दफ़ा है, आप चार दफ़ा क्यों कहते हैं? फरमाया नहीं, मुझे जो बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार दफ़ा सिखलाई है इससे हट नहीं सकता। दूसरा इनका अमल, दूसरा ये है कि सारी ज़िंदगी उस दिन के बाद मौत तक अपने सर के बाल नहीं कटवाए, उस दिन के बाद मौत तक अपने सर के बाल नहीं कटवाए। इनके बाल एड़ियों तक आते थे, बाल जो थे वो एड़ियों तक आते थे, क्यों नहीं कटवाए? फरमाया कि इन बालों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लगा है तो इन बालों को मैं क्यों कटवाऊँ? नहीं कटवाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जो मोहब्बत की वो ऐसी मोहब्बत के तारीख़ इंसानियत में ऐसी कोई मिसाल मिलती नहीं कि इताअत और फरमाबरदारी की कोई ऐसी मोहब्बत हो।